सामने का नजारा ना बहुत ही ज्यादा शानदार है भाई। यार लाइन में खड़े हुए हमें लगभग 6 घंटे या उससे ऊपर भी हो गया है और भीड़ बहुत ज्यादा है भाई। मंदिर के कपाट पर्व दर्शन के लिए बंद हो चुके हैं। 8-8, 9-9 घंटे लाइन में लगने के बावजूद भी हमें जय शंकर हर हर महादेव। तो फाइनली कल रात को 12 बजे हम 15-16 किलोमीटर का ट्रैक करके केदारनाथ घाटी पहुंच गए थे। बहुत ही बढ़िया नज़ारा भाई यहाँ पे, मैं क्या बताऊँ आपको। रात को तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगा। एक्चुअली हमारा प्लान था बेस कैंप में रुकने का, अंकित भाई ने रूम भी ले लिया था, लेट भी गए थे, हमने उनको उठाया कि भाई यहाँ नहीं रुकेंगे, सीधा ऊपर जाके केदारनाथ में ही रुकेंगे। तो उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई भाई, सोए हुए बंदे को उठाया और यहाँ लेके आए, और यहाँ पे हमने अपना स्टे किया था कल रात को इधर, ठीक है। और यात्रा की बात करें तो यात्रा हमने कल सुबह 12 बजे शुरू की थी गौरीकुंड से, और रात को 12 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं। लगभग 12 घंटे हमने लगाए और बड़े आराम आराम से आए हैं, रुकते रुकते आए हैं। कोई ऐसा कोई हार्ड एंड टफ ट्रैक नहीं है, इजी ट्रैक है, बट थोड़ी बहुत थकावट तो होती है क्योंकि इतना ज़्यादा आप पैदल चलते हैं, 7-8 घंटे में ट्रैक हो जाता है अगर आप अच्छी स्पीड में चलते हैं। तो हम नॉर्मल स्पीड में चल रहे थे, स्लो एंड स्टडी, इसलिए हमें बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई है। थोड़ी बहुत जो हमें थकावट हुई थी वो हमने रेस्ट करके उतार दी है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें स्टे मिल गया था रात को, ये बड़ी बात है कि रात को 12 बजे स्टे मिल गया था, क्योंकि पूरा का पूरा केदारनाथ पैक है भाई, पूरा का पूरा केदारनाथ पैक है। आप जितने भी यहाँ पे टेंट देख पा रहे हैं ना, ये सारे के सारे पैक हैं। और सुबह सुबह इतने चॉपर चल रहे हैं, सुबह 6 बजे से एक एक दो दो चॉपर इकट्ठे आ रहे हैं। और सामने के नज़ारे की बात करूं तो भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये देखो भाई नज़ारा, टेंट ही टेंट है भाई, टेंट ही टेंट है, बहुत ही बढ़िया। सामने बर्फ़ वाला माउंटेन है, यहाँ धूप पड़ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। मंदिर के जो कपाट हैं वो 7 बजे के आसपास खुलेंगे, और सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा भीड़ आ गई, और भीड़ आपको दिखाता हूँ मैं कितनी भीड़ है। देखो ये कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी है भाई, यहाँ से लेके वो उधर तक पूरी की पूरी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो भाई लोग अब हम भी चलते हैं, लाइन में लगते हैं और जल्दी से दर्शन करके आते हैं। भाई सामने का नज़ारा ना बहुत ही ज़्यादा शानदार है भाई, बहुत ही ज़्यादा शानदार है, ये देखो बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और सामने से देखो हेलीकॉप्टर ना ऊपर से फूल बरसा रहा है,
जो नज़ारा आज हमने देखा ना केदारनाथ जी का भाई, उसके लिए नो वर्ड्स, अद्भुत है चीज, अद्भुत भाई, मतलब नो वर्ड्स, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है भाई, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। हर बंदे की लास्ट विश होती है ना कि मेरे को केदारनाथ जाना है, लोग केदारनाथ भी हो गया हमारा भाई। जो जो परेड वगैरह, पालकी वगैरह, जो भी आज भीड़ भड़का हमने देखा ना यार, मतलब रोंगटे खड़े हो गए भाई, देख के रोंगटे खड़े हो गए हैं। तो अभी ऐसा है, थोड़ा बहुत फ्रेश होने जाते हैं नहा धो के, उसके बाद मंदिर के अंदर जाके दर्शन करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शंकर जय भोले। अभी टाइम है जी अपना दर्शन करने का, तो लाइन ना बहुत ज़्यादा लंबी है भाई, लाइन को देख के ना लग रहा है हमें डर। अंकी भाई हमारे ये बड़े स्कीमी बंदे हैं ये मतलब 5 दिन में दर्शन करके आ गए, हमें लगना पड़ेगा कम से कम 3 से 4 घंटे लाइन में, और लाइन में अगर आपको दिखाऊँ ना भाई आप सच में डर जाएंगे। ये देखो, ये देखो, ये पूरा वहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ से लाइन है, और लाइन आई कहाँ से है वो पूरे से आप देख पा रहे हैं, या पूरी की पूरी लाइन से भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। आज कबाड़ खुले हैं। अंकित भाई कुछ कहना चाहते हैं? 2024 की जो लाइन व्यवस्था ना, वो नया रास्ता इसके लिए बनाया गया। पहले जो लाइन लगती थी, जो हम जिस रास्ते सुबह गए थे ना, जो आपने जहाँ पे भीड़ लगी हुई थी पहले, वहाँ से लाइनें लगती थी। इस बार ये नया रास्ता बना 2024। पहले जो लाइनें लगती थी वो लगती थी मंदिर के बिल्कुल फ्रंट एंट्री से, अभी लग रही है थोड़ा साइड से, मतलब लेफ्ट साइड से। और आज केदारनाथ की मार्केट में है जी स्ट्राइक, आप देख पा रहे हैं कि सारे रेस्टोरेंट, दुकानें, सब कुछ बंद है भाई, सब कुछ बंद है। एक्चुअली स्ट्राइक का रीज़न पता नहीं क्या है, व्यापार मंडल वालों का कुछ इशू होगा गवर्नमेंट के साथ, तो आप देख पा रहे हैं पूरी की पूरी दुकानें, सारी दुकानें बंद हैं, कुछ भी नहीं खुला हुआ है भाई। लाइन ना बहुत ज़्यादा लंबी लग रही है, अब हमें ना डर लग रहा है अंदर से कि पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। दर्शन करने के लिए आपको एडवांस में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपने साथ कैरी करना पड़ता है। जब आपने दर्शन करने के लिए जाना है ना, तो यहाँ पे टोकन काउंटर में ये छोटा सा उत्तराखंड टूरिज्म जिस पे लिखा है ना, ये वाला टोकन नंबर मिलता है आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारकोड के साथ, और इसके बिना आपको दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे। तो भाई जैसा कि आज यहाँ लोकल मार्केट की सबकी स्ट्राइक है, तो खाने पीने का कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना प्रसाद मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। जितने भी यात्री हैं ना, वो सारे लंगर खा रहे हैं, और लंगर में भीड़ देखो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है भाई। ये सारी लाइन आपको दिख रही है, ये लंगर की लाइन है भाई, भीड़ तो बहुत है, और ऊपर से स्ट्राइक से ना थोड़ा सा इनकन्वीनियंस फील हो रहा है, पानी की बोतल तक नहीं मिल रही है पीने को लोगों को। तो भाई लोग पिछले 1.5 घंटे से लाइन पे लगे हैं, और लाइन बिल्कुल स्लोली स्लोली चल रही है। पीछे जैसे एक भंडारा भी लगा था, बट बहुत वेट किया, खाने को मिला ही नहीं, एक्चुअली उनका सामान नहीं आया, पर लाइन आगे निकल रही थी, हमने भंडारा में पीछे रह गए। और यहाँ आपको एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, देखो लोग कैसे इतने ठंडे पानी में नहा रहे हैं, क्या बात है भाई। तो लाइन में खड़े हुए लगभग हमें 4 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, और लाइन लाइन की जो स्पीड है ना वो बहुत कम है भाई, बहुत स्लो स्लो स्पीड पे चल रही है, और हम हैं यहाँ पे नंगे पाँव, तो फर्श इतना ठंडा है भाई, पाँव बिल्कुल ना ठंडे हो गए हैं, और धूप भी चली गई है और ठंड लग रही है अभी, ठीक है। तो भीड़ आप देखो, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भाई, देखो क्या बात है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। जय शंभू, जय शंभू, जय शंभू, जय शंकर। बोलिए ना कुछ, सेकंड लाइन बना के बैठे हैं। हाँ, एक्चुअली लाइन एक ही थी जिसमें हम खड़े हैं, ये 7 वाली लाइन ज़बरदस्ती बना दी गई है, इनलीगल 2 नंबर में। चलो भाई क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे पुलिस नहीं है तो रोकने वाला कोई भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि ऐसा हमें 2 घंटे या 2.5 घंटे लगने वाले हैं, और दर्शन 3 घंटे के आसपास का टाइम लग जाएगा हमें दर्शन करते हुए। तो भाई लोग टाइम 3:30 हो गया लाइन में खड़े हुए, हमें लगभग 6 घंटे या उससे ऊपर भी हो गया है, और भीड़ बहुत ज़्यादा है भाई, नंबर अभी तक नहीं आया है। भीड़ देखो आप, अभी भी बहुत ज़्यादा है लाइन, और पीछे भी आप देख पा रहे हैं, पीछे भी बहुत ज़्यादा लाइन है। और मौसम भी एकदम ठंडा हो गया, बिल्कुल ठंड हो गई है बाहर। पता जी आपने तो कैब पहन ली हुई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये देखिए, यहाँ भी देखिए। तो अंदाज़ा ऐसा है कि हमारा कि 3 घंटे या 2.5 घंटे के आसपास टाइम लगने वाला है, पहले भी हमने ऐसा ही बोला था, बट वो गलत हो गया। 3 घंटे अभी 2 या 3 घंटे आप और लगा लो, उसके बाद जाके हमारे दर्शन होंगे। तो आज तो मुझे लग नहीं रहा कि हम सोनपुर या वापस पहुँच जाएंगे, तो आज नीचे चलते हैं। एक्चुअली पता क्या है, सुबह से ना तो पानी पिया है, ना तो खाना खाया है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक है, ना खाना मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है। तो आज हमारा व्रत है भोलेनाथ का फास्ट।
मंदिर के कपाट पर्व दर्शन के लिए बंद हो चुके हैं। चुनाव कल दिनांक 11/5/2024 को प्रातःकाल 3 बजे मंदिर के कपाट धर्म दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। भाई एक बहुत सैड न्यूज़ है, 9 घंटे लाइन में लगने के बाद अभी 5 बजे के आसपास ना कपाट बंद कर दिए गए हैं और वो कल सुबह 3 बजे खुलेंगे। अभी हमारी जितनी भी मेहनत थी ना, 9 घंटे हम लाइन पे लगे, वो सारी बेकार गई। कोई बात नहीं, मंदिर के पीछे ये जो आप बड़ी जैसी चट्टान देख रहे हैं इसको कहते हैं भीमशिला। एक्चुअली जब यहाँ पे बाढ़ आई थी कुछ साल पहले, बहुत ख़तरनाक बाढ़ आई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तब ये पानी में बह के, बाढ़ में बह के ये पत्थर यहाँ पे खड़ा हो गया मंदिर के एकदम पीछे, और इसने पानी का जो बहाव है ना वो दोनों तरफ से डाइवर्ट कर दिया, इससे मंदिर पूरा का पूरा सेफ हो गया। भाई इसको कहते हैं भगवान शिव जी की कृपा। तो फाइनली अभी हम जा रहे हैं वापस, थोड़ा सा निराश होकर जा रहे हैं हम भी और बहुत सारे श्रद्धालु भी बहुत नाराज़ होकर जा रहे हैं, क्योंकि कपाट बहुत जल्दी बंद हो गए हैं। 8-8, 9-9 घंटे लाइन में लगने के बावजूद भी हमें दर्शन नहीं हुए, और आज स्ट्राइक भी है और ना तो यहाँ रहने के लिए कुछ मिल रहा है। सुबह से ना हमने पानी पिया ना खाना खाया, लंगर भी थे, लंगर में भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बंदा कन्फ्यूज़ होता है कि लंगर में, लंगर की लाइन में लगे या फिर दर्शन वाली लाइन में लगे। तो एनी हाउ जो हो गया तो हो गया, पर बहुत सी बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई हैं सुबह सुबह, जो हमने यहाँ पे नज़ारा देखा कपाट खुलने का, और जो परेड वगैरह बैंड वगैरह बहुत सारा मज़ा आया भाई, गूज बम्प्स खड़े हो गए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो नज़ारा क्या था, स्पीचलेस था। बाकी जितने दर्शन नहीं हुए तो कोई बात नहीं, अगली बार आके कर लेंगे। तो अभी हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई, हमने रेनसूट पहन लिया और हम जा रहे हैं जी अभी नीचे, देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचा जाता है गौरीकुंड, यहाँ से पहले ही जहाँ भी होगा वहाँ अपना स्टे कर लेंगे। उस वीडियो को यहीं पे करते हैं जी खत्म। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत 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 अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भोले। भाई यात्रा के स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है घोड़ों की वजह से, बंदों के चलने की तो जगह ही नहीं बची है भाई, बहुत भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अपना प्लान अकॉर्डिंगली करें। साइड जगह बहुत धक्का मारती भाई। आगे चलो चलो।